हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दबे पांव आ रही कोरोना की चौथी लहर, एक्टिव मामले 1 लाख पार, दिन भर में मिले 18,000 नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर क्या दबे पांव दस्तक दे रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि बीते काफी दिनों से कोरोना के नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। यही नहीं, इसके चलते एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार पहुँच गयी है। गुरुवार को बीते एक दिन में नए केसों का आंकड़ा 18,819 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 1,04,555 हो गई है। ऐसा करीब 4 महीने के बाद हुआ है जब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा 130 दिनों के बाद पहली बार नए केसों का आंकड़ा भी 18,000 से ज्यादा आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना संक्रमण के चलते 5,25,116 मौतें हो चुकी है। बीते एक दिन में ही इस वायरस ने संक्रमित 39 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल संकट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगातार नए केसों के मुकाबले कम बनी हुई है। इसके चलते एक्टिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना का रिकवरी रेट 98.55% पर बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 4.16% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.72% है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर 1.21% बनी हुई है। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में 197 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 17 लोग तो अकेले केरल के ही है, वहीं 7 महाराष्ट्र, 4 यूपी, 3 पंजाब और 2-2 लोग हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल के हैं। सिक्किम और दिल्ली में भी 1-1 व्यक्ति की कोरोना संकट के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों में अब तक 70% वे लोग हैं जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।